वेलकम बैक क्लास। अब बेटा हम लोग 14 सम की ओर चलते हैं और 14 सम में आपका 18, 19। सो लेट अस सॉल्व। सबसे पहले हम 18 को फैक्टराइज करेंगे। यूनिट प्लेस पे बेटा हमारे पास है 8, और जब यूनिट प्लेस पे 8 होता है तो आपको उसे 2 से डिवाइड करना है। तो आप जब 2 से डिवाइड करोगे दैट इज 18 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 9। 9 है तो 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, वी विल गो फॉर 3, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। सो वी विल राइट हियर 3 इज, और जब लास्ट नंबर है 3, सो अगेन वी विल राइट 3 वंस। अरे नेक्स्ट 90, यूनिट प्लेस पे क्या है बेटा 0, यस। तो अब आप लिखोगे डिवाइड बाय 2। जब 90 को 2 से डिवाइड किया जाता है ना बेटा, तब आंसर आएगा 4 pi 45। 90 डिवाइडेड बाय 2 आप रफ कॉलम में कर लेना, आपको आंसर आएगा 45। 45 के यूनिट प्लेस पे 5 होने की वजह से हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी विल बी डिवाइडिंग द सेम बाय 3। 3 के लिए हमें ऐड करना जरूरी है, सो ऐड इट, 4 + 5 विल बिकम 9, और 9 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये डिवाइड बाय 3 होगा। जब आप 45 को 3 से डिवाइड करोगे ना बेटा, आपका आंसर आएगा 15। क्या आंसर आएगा? 15। वंस अगेन यूनिट प्लेस पे 5 होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं होगा, वी विल गो फॉर 3। 3 के टेबल पे 15 आता है, सो 3 5 आर एंड देन 5 1 आर, करेक्ट। बाय दिस आपका फैक्टराइजेशन प्रोसेस पूरा हो गया। नाउ लीव अ लाइन एंड राइट 18 90 18, that is 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3, और 90 हो जाता है 1 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. Number 9 common factors 1, 1, 1 multiply, 2, 2, 2 multiply, 3, 3, 3 multiply, 3, 3, 3 correct, and then 1 multiplied by 2, 2, 2 multiplied by 3, 6, 6 multiplied by 3, 18, yes, 1 multiplied by 2, 2, 2 multiply by 3, 6, 6 multiply by 3 is 18. So correct answer है आपका 18. Then क्या बच गया बेटा? Uncommon is 5. LCM is equals to common 18 multiply by uncommon 5. So ये बन जाएगा आपका 18 multiply by 5. And what is 18? 5 is a 9090. Hence, आपका correct answer है 9090. And by this, आपने एक और sum solve किया और आपको समझ में आया कि जब आप 18 और 90 ये दो table खोलोगे ना बेटा, तो इन दो table में जो सबसे पहला छोटा common number जो 18 के table में भी आता है और 90 के टेबल में भी आता है, द फर्स्ट कॉमन नंबर विल बी 9090। हेंस 90 इज योर लीस्ट कॉमन मल्टीपल।